हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर टू कर रहे हैं, इस मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम अब तक जो है वो इसकी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। फिर हमने ये जाना था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, फिर हमने टाइप ऑफ मिक्सचर जाना, फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा कि सॉल्यूशंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, सबसे पहले कंसंट्रेशन बताते हैं कि क्या होती है। कंसंट्रेशन होती है कि किसी भी चीज़ में जो ओरिजिनल अमाउंट है वो कितनी ज़्यादा प्योर है, उस चीज़ को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। जैसे कि अगर हम मिल्क की बात कर रहे हैं, प्योर मिल्क की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ दूध है, दूध के अलावा उसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला। अगर हम उस दूध में थोड़ा पानी डाल देंगे तो फिर वो कंसंट्रेट, उसकी दूध की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, दूध का जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा। मान लो कि आपके पास पहले एक गिलास था, उसमें आपने एक कप पानी डाल दिया, अब जो है वो एक गिलास से ज़्यादा क्वांटिटी होगी मिल्क की, लेकिन अब उसमें पूरा प्योर मिल्क नहीं है, उसमें जो मिल्क की कंसंट्रेशन है या फिर आप ये कह लो कि मिल्क का जो अमाउंट है वो पहले से कम हो गया है, तो उस चीज़ को हम कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो एक्टिविटी की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट द ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने जो है एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने कॉपर सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट के जो है वो क्रिस्टल्स डाले थे सॉल्यूशन के अंदर, उसमें जो है वो कलर देखने को हमें मिले थे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेड ऑफ कलर थे। जब हमने उसको डायल्यूट करते गए थे, उसमें पानी डालते गए थे, तो अलग अलग अमाउंट में उसका जो डार्कनेस थी, जो शेड्स थी, वो अलग अलग थी। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड द सोलवेंट कैन बी वेरीड। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट और सोल्यूट की जो प्रोपोर्शन है, उनकी जो रेशियो है, उनका जो अमाउंट है, वो वेरी हो सकता है। इसको आप सिंपल एग्जाम्पल से ही समझो, जैसे कि मैं हर बार इस चैप्टर में एग्जाम्पल दे रहा हूँ मीठे पानी का। अगर आप ज़्यादा चीनी डिजोल्व करोगे कम पानी के अंदर, अगर आप ज़्यादा सोल्यूट डाल दोगे तो उससे क्या होगा, उसकी जो स्वीटनेस होगी, वो जो मीठापन होगा सोल्यूशन का, जो मीठे पानी का जो मीठापन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उस केस में हम सोल्यूट ज़्यादा डाल रहे हैं। फिर अगर हम उसमें और पानी मिलाते चले जाएं, तो फिर क्या होगा, उसमें सोलवेंट का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। जब सोलवेंट का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, अब ऐसा नहीं है कि उसमें सोल्यूट कम हो गया। सोल्यूट अगर हमने पहले उसमें 2 चम्मच चीनी के डाले थे तो वह अभी भी 2 चम्मच चीनी के उसके अंदर है, लेकिन अगर हम कंपेरिजन करेंगे सोलवेंट और सोल्यूट का, तो कंपैरिजन में हम ये देखेंगे कि अब पहले एक गिलास में अगर 1 चमचा था तो अब 2 गिलास हो गए, क्योंकि हम उसमें लगातार पानी मिला रहे हैं, तो पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण उसके कंपैरिजन में जो शुगर का अमाउंट होगा वो कम होता चला जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डायल्यूट कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन। कितने अमाउंट में जो सोल्यूट प्रेजेंट है किसी सोल्यूशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो सोल्यूशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डायल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशंस। किसी सोल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, इस बात पे हम जो है वो सोल्यूशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सॉरी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डायल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड जो है वो दोनों एक तरह की चीज़ें होती हैं। तो डायल्यूट का मतलब क्या होता है, डायल्यूट का मतलब है कि जिसमें हमारा सोल्यूट काफ़ी कम हो, हमारा सोल्यूट जिसमें कम होता है उसको हम डायल्यूट बोलते हैं। कंसंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हमारा जो सोल्यूट की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, सोलवेंट जिसमें कम होता है। डायल्यूट एंड द कंसंट्रेटेड आर द कंपैरेटिव टर्म्स इन एक्टिविटी 2.2। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ए इज डायल्यूट वेयर एज डायल्यूट एज कम्पेयर टू द ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप बी। जो एक्टिविटी 2.2 थी उसमें जो ग्रुप ए वाले बच्चे थे उनके पास जो सोल्यूशन था वो डायल्यूट था, और जो ग्रुप बी वाले थे उनके पास जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में था। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एक में कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और दूसरे में कम होगी। एक एक्टिविटी और है हमारे पास, एक्टिविटी 2.3।
अगर आप कभी अपनी लैब स्कूल लैब में गए हो तो वहाँ पे भी आपने जितने भी एसिड वगैरह देखे होंगे तो वहाँ के एसिड्स के ऊपर लेबल लगा होता है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वहाँ पर डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि उसमें पानी मिलाया हुआ है, उसमें जो असली एसिड है वो काफ़ी कम है, उसमें जो सोल्यूट है वो काफ़ी कम है, उसमें ज़्यादा अमाउंट जो है वो पानी का है, ज़्यादा अमाउंट जो है वो उसमें सोलवेंट का है। तो डाइल्यूट का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। अगर हम ऐसे ओरिजिनल एसिड लें, पूरा कंसंट्रेटेड एसिड लें, अब पूरा कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा? वो एसिड जिसमें बिल्कुल भी पानी प्रेजेंट ना हो, सारा का सारा सोल्यूट ही हो, ओरिजिनल HCl, उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा कंसंट्रेटेड है। लेकिन जब उसमें पानी मिलाते चले जाएंगे, पानी मिलाते जाएंगे, तो जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी, और जो एसिड का इफेक्ट होगा वो भी कम होता रहेगा। इसीलिए हमारी लैब में जितने भी एसिड्स रखे होते हैं वो सारे डाइल्यूट फॉर्म में रखे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो हमारे कंसंट्रेटेड फॉर्म में एसिड्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं। बच्चे जो है वो उसको ईजिली अच्छे से केयर के साथ हैंडल नहीं करते, बच्चे लापरवाह होते हैं, तो वो अगर गलती से उनके ऊपर एसिड गिर जाए तो एसिड उनकी स्किन को बर्न कर सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए लैब में जितने भी एसिड्स रखे होते हैं उनको सभी को डाइल्यूट किया जाता है, ताकि उनका इफेक्ट कम हो जाए, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उसके साथ ही उसका इफेक्ट भी जो है वो कम हो जाता है। डाइल्यूट का मतलब क्या है? डाइल्यूट का मतलब होता है हमारा ऐसा सोल्यूशन जिसमें ओरिजिनल जो हमारा सोल्यूट है उसकी अमाउंट जो है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी कम होती है, उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। अब एक्टिविटी देखते हैं हमारे पास। टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इन ईच टू सेपरेट बीकर्स, हमें दो बीकर लेने हैं 50 ml के, और दोनों में जो है वो पानी ले लेना है। एड सॉल्ट इन वन बीकर एंड शुगर और द बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद द कॉन्टिन्यू स्टरिंग। एक बीकर में हमने जो है वो नमक ले लेना है और दूसरे में या तो शुगर ले लेनी है या फिर बेरियम क्लोराइड ले लेनी है, और उसको कॉन्टिन्यू स्टर करते रहना है। स्टर का मतलब होता है उसको लगातार हिलाते रहना है। वेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व द हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर, हमें क्या करना है? लगातार उसमें डिजोल्व करते रहना है, जैसे नमक या फिर चीनी जो भी हम डिजोल्व कर रहे हैं उसको लगातार थोड़ा थोड़ा डालते रहना है सोल्यूशन पानी में, लगातार थोड़ा थोड़ा नमक डालते रहना है या फिर थोड़ी थोड़ी चीनी डालते रहना, और उसको लगातार हिलाते रहना है। और एक टाइम आपका ऐसा आ जाएगा जब उसमें चीनी या फिर नमक जो है वो घुलना बंद कर देगी। एक टाइम पे आपका सोल्यूशन, आपका जो पानी है वो इतना मीठा या इतना नमकीन हो जाएगा कि उसमें और ज़्यादा नमक आप नहीं घोल पाओगे। अब आप क्या करो, बीकर को गर्म करना शुरू कर दो, नीचे उसे बर्नर पे रख दो, स्टीम लैम्प पे रख के उसको गर्म करना शुरू कर दो, और फिर से उसमें सोल्यूट जो है, जो भी हमारा शुगर या फिर सोल्ट है, उसमें डिजोल्व करना फिर से शुरू करो। नॉर्मल टेम्परेचर पे वो डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन जब हम उसे गर्म करना शुरू कर देंगे तो फिर से उसके अंदर जो है वो शुगर या फिर जो सोल्ट हमने लिया होगा वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। इज द अमाउंट ऑफ द सोल्ट और द शुगर और बेरियम क्लोराइड डैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट गिवन टेम्परेचर सेम। आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या जब हम उसे डिजोल्व कर रहे थे, अभी तक हमने उसे गर्म करना शुरू नहीं किया, सेम टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर पे हमने उसको गर्म नहीं किया बिल्कुल भी, बिना गर्म किए उसमें हम शुगर और नमक अलग अलग बीकर में डिजोल्व कर रहे हैं। पूछ ये रहे हैं कि क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ शुगर और जो सोल्ट है वो हम डिजोल्व कर पा रहे हैं। मतलब कि अगर मान लो कि अगर हमारे पास 50 ग्राम नमक है और 50 ग्राम ही शुगर है, कि क्या दोनों में हमने 50-50 ग्राम डिजोल्व किया और उसके बाद जो है वो डिजोल्व होना बंद हो गया। सोल्ट के केस में भी 50 ग्राम डिजोल्व हुआ, उसके बाद वो डिजोल्व होना बंद हो गया, और शुगर के केस में भी 50 ग्राम ही डिजोल्व हुआ, उसके बाद डिजोल्व होना बंद हुआ, क्या ऐसा हुआ? वो ये पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि अगर 50 ग्राम सोल्ट डिजोल्व हो गया तो 50 ग्राम ही शुगर भी डिजोल्व होगी। ये डिपेंड करता है दोनों अलग अलग सोल्यूट्स के नेचर के ऊपर। हम ज़्यादा नमक डिजोल्व कर सकते हैं किसी भी पानी के अंदर, हम ज़्यादा अमाउंट में नमक तो डिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन सेम टेम्परेचर पे सेम अमाउंट में हम उसमें शुगर डिजोल्व नहीं कर पाएंगे। मान लो कि अगर हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे नमक जो है वो 100 ग्राम जो है हमने पानी के अंदर नमक को
डिसॉल्व कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उसमें 100 ग्राम जो है वो शुगर भी डिसॉल्व कर पाएंगे। शुगर हम कम डिसॉल्व कर पाएंगे, हो सकता है शुगर हम 60 ग्राम ही डिसॉल्व कर पाएँ या 70 ग्राम ही डिसॉल्व कर पाएँ, क्योंकि शुगर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम शुगर को सेम अमाउंट में डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे जितने अमाउंट में हम सॉल्ट को डिसॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यही पूछा था कि इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड द शुगर दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर आर सेम, क्या ये सेम थे? सेम टेम्परेचर का मतलब उसको गर्म नहीं करना है हमें, बिना गर्म किए हम क्या दोनों को सेम अमाउंट में डिजोल्व कर पा रहे हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सोल्यूशन डैट हैज़ अ डिजोल्व एज मच एज सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इज सेट टू बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आगे हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मान लो कि आप चीनी ही डिसॉल्व कर रहे हो पानी के अंदर, हमने गर्म नहीं किया उसको, हमने उसको बिना गर्म किए नॉर्मल पानी में हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं। एक टाइम आएगा कि उसमें शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी, जब शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे सेम टेम्परेचर पे हम उस सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। हम सेम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जितना भी उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था वो सारा डिसॉल्व हो गया, अब हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या फिर आप सीधी भाषा में ये बोल दो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर दे, जब सोल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तब हम उसको बोलेंगे कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में गिवन टेम्परेचर के ऊपर हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जिनके अंदर हम गिवन टेम्परेचर के ऊपर और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसमें गिवन टेम्परेचर लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप गिवन टेम्परेचर नहीं लिख रहे हो तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, अगर हम उसको गर्म करना शुरू कर देंगे तो उसमें सॉल्यूट भी डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अगर हम उसको सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो उसके अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट फिर डिसॉल्व कर पाएंगे, लेकिन बिना गर्म किए हम उसमें और नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बात लिखनी बहुत ज़रूरी है कि गिवन टेम्परेचर के ऊपर हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम किसी गिवन टेम्परेचर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं उसको हम उस सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, कि उसके अंदर इतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसको हम उसकी सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। मान लो कि अगर हमने 50 ग्राम शुगर पानी में डिसॉल्व किया तो हम बोलेंगे कि शुगर के लिए पानी की जो सोल्यूबिलिटी है वो 50 ग्राम है, इतने पानी में 50 ग्राम जो है वो हमारी शुगर डिसॉल्व हो सकती है। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है वो कम क्वांटिटी में हुआ है जितना वो सैचुरेशन आने तक वो जितना डिसॉल्व कर सकता था, लेकिन हमने उतना भी डिसॉल्व नहीं किया, उससे कम है हमारी कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सॉल्यूशन जो है अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly?
क्या होगा कि अगर हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किसी सर्टेन टेम्परेचर पे ले जाएं, मतलब कि हम उस सॉल्यूशन को फिर गर्म करना शुरू कर दें और उसमें और ज़्यादा जो सॉल्यूट है वो डिजोल्व करना शुरू कर दें, तो जब हम उसे गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ऑफ कोर्स उसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट भी डिजोल्व कर पाएंगे, लेकिन फिर से एक टाइम आने पर वो सैचुरेटेड हो जाएगा। फिर हम एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अब गर्म करने पर भी उसमें और ज़्यादा जो है वो हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पा रहे, फिर हमने क्या करना, उसको ठंडा कर देना धीरे धीरे। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट द डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द गिवन टेम्परेचर। और हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग सॉल्यूट्स की अलग अलग सॉल्वेंट में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है, किसी सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है और किसी सॉल्वेंट में जो है वो कम सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है। हर सॉल्यूट के लिए, हर सॉल्वेंट के लिए जो है वो अलग अलग सॉल्युबिलिटीज होती हैं सेम टेम्परेचर के ऊपर। हो सकता है पानी में ज़्यादा डिजोल्व हो, अल्कोहल में कम डिजोल्व हो, तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग सॉल्युबिलिटीज होती हैं गिवन टेम्परेचर के ऊपर। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो अमाउंट जो किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया जा सकता है, उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन मास और द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ये है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है। मान लो कि मेरे पास अगर एक गिलास पानी है, मान लो कि उस गिलास में 100 ml पानी आ रहा है, मेरे पास 100 ml पानी है, उसमें एक चम्मच जो है वो मैंने शुगर मिलाई, तो उसको मैं बोलूँगा कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो एक चम्मच है। दो चम्मच डाल दी तो दो चम्मच होंगे, तीन चम्मच डाली तो तीन चम्मच उसकी कंसंट्रेशन होगी। तो कितना सोल्यूट किसी सोलवेंट में प्रेजेंट है उसको हम उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है कि कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की कैसे निकालते हैं। हम देखेंगे कि उस कितना सॉल्यूट जो है वो कितने सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। There are various way of expressing the concentration of the solution, but here we will learn only two methods. First method है हमारे पास mass by mass percentage of solution. अब mass by mass का मतलब ये है कि हम दोनों चीज़ों को mass में ही represent करेंगे, solute को भी mass में लेंगे और हमारा जो solvent होगा उसको भी जो हम mass में ही लेंगे। ऐसा नहीं जैसे कि लीटर में कुछ नहीं लेंगे, अगर मेरे पास पानी है, पानी को भी मैं फिर किलोग्राम या फिर ग्राम में लूँगा, उसको फिर मैं लीटर्स में नहीं लूँगा, एक लीटर, एक ml, दो ml, 50 ml, ऐसा नहीं लूँगा। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि मेरी दोनों चीज़ें, दोनों कौन कौन सी, मेरा सॉल्यूट भी और मेरा सॉल्वेंट भी, दोनों किस क्वांटिटी में होने चाहिए, दोनों जो है वो मास, दोनों का मास होना चाहिए, दोनों का वॉल्यूम नहीं लेना है मुझे, दोनों का मास लेना, मतलब कि दोनों को किलोग्राम या फिर ग्राम में लूँगा, दोनों को ही, सॉल्यूट को भी और सॉल्यूशन को भी या फिर हमारे सॉल्वेंट को भी। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द 100। ये बात याद रखने की, मास बाय मास का मतलब दोनों का मास लेना है, सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी या फिर सॉल्यूशन का भी। और सेकंड है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि एक का मास लेंगे, दूसरे का वॉल्यूम लेंगे। जैसे कि मैंने शुगर डिजोल्व की एक गिलास पानी में, एक गिलास में मान लो कि 100, एक लीटर पानी आ गया, एक लीटर में 10 ग्राम शुगर डाली है, 10 ग्राम मतलब कि वो मास ले रहा हूँ, लेकिन एक लीटर मतलब कि मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ। तो
मास बाय वॉल्यूम में हमें सोल्यूट जो है वो हम लेते हैं मास में, और जो हमारा वॉल्यूम सोल्यूशन होता है उसको हम लेते हैं वॉल्यूम में। तो मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द 100। तो आपको याद रखनी है मास बाय मास में दोनों चीज़ों का मास लेना है, मास बाय वॉल्यूम में हमारा सोल्यूट जो होगा वो मास में होगा किलोग्राम या फिर ग्राम में, और हमारा जो सॉल्वेंट होगा या फिर हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लीटर्स में लेंगे, उसका हम वॉल्यूम लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकल टाइप, तो हम पहले देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स क्या हैं। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा है और सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ये लाइन आपको नहीं भी लिखी होती मास बाय मास तो भी आप आसानी से समझ जाते कि हमारा जो कॉमन सॉल्ट क्या होगा, कॉमन सॉल्ट हमारा यहाँ पे सोल्यूट हो जाएगा जो कि ग्राम में गिवन है, और वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हमारा सोलवेंट हो जाएगा जो भी जो जो फिर से हमें ग्राम्स में ही गिवन है। तो दोनों चीज़ों का हमें मास गिवन है तो इसकी मास बाय मास परसेंटेज ही निकलेगी। अब मैंने आपको ये पहले ही क्लियर बता चुका हूँ कि सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट वो चीज़ है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, और आप देखो हमारे पास कॉमन सोल्ट जो है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सोल्यूट होगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि सोलवेंट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर वाटर जो है वो 320 ग्राम है, मतलब कि वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा सोलवेंट। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास कंसंट्रेशन मास बाय मास का, वो है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट मतलब कि हमारे पास 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन में अब क्या है, यहाँ पे 40 ग्राम तो सोल्यूट है और 320 ग्राम हमारा सिर्फ सोलवेंट है। जब हम उसको सोल्यूशन बनाएंगे सोल्यूशन के अंदर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, जब हमने दोनों चीज़ों को मिला के एक चीज़ बना ली तो अब वो एक साथ बनेगा, तो सॉल्यूशन के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, मतलब कि 40 प्लस 320। ये दोनों को ऐड क्यों किया, दोनों को ऐड इसीलिए किया है क्योंकि डिवाइड मुझे किसके साथ करना है, डिवाइड मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ करना है, और सॉल्यूशन के अंदर तो दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती है ना, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा, इसीलिए दोनों को मास को ऐड किया है। मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं, इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ऊपर है हमारे पास 40, नीचे 320 में जो है वो 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाय द 100। एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 4 1 4 4 9 36, ये हो गया 100 बाय 9। 100 बाय 9 यानी कि हमारे पास ये आ जाएगी 11.1%। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन हो जाएगी मास परसेंटेज जो है वो कंसंट्रेशन हो जाएगी 11.1। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।